हेलो एवरीवन, इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित एंड वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू फोटोग्राफी ब्लॉग। आज का व्लॉग मैं आ गया फिर से बर्ड फोटोग्राफी करने के लिए। वैसे विंटर स्टार्ट हो गया मेरे गेटअप से देख के आपको पता चल गया हो गया। और एक्चुअली प्लान तो था सुबह 5 बजे आके फ़ोटो उठाने का, जैसे मैं लैंडस्केप्स में हमेशा करता हूँ, लेकिन बर्ड फोटोग्राफी में थोड़ा लाइट भी चाहिए होता है। और बिलीव मी, 6:30-7 बजे से पहले तो लाइट दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा है। यहाँ पर कोहरा हर तरफ छाया हुआ है, मिस्ट फॉग बहुत ज़ोरों से है। तो आज मैं जो है प्लान बनाया कि आज मैं चलता हूँ कुछ छोटे छोटे बर्ड्स की फ़ोटोग्राफी करने के लिए, जो कि बुशेस में, श्रब्स में या फिर बैम्बू के ट्रीज़ में जैसे पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रीनिया हो गया, मुनिया हो गया, सिल्वर बिल हो गया, जिटिंग सिस्टिकोला हो गया। ये तो पास्ट में मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ उठाए हैं, लेकिन इनके एक्शंस और इनके फ़ोटोग्राफी करने में एक्चुअली लगते भी बहुत मज़े हैं। और उसी के साथ मैं आपको शेयर करने वाला हूँ मेरे कुछ टिप्स रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ बर्ड फोटोग्राफी, जिसको आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा इस तरह के छोटे छोटे बर्ड फोटोग्राफी करने के लिए। सो बस आप वीडियो को देखते जाइए। आज का वीडियो, अगर आप बर्ड फोटोग्राफी बहुत करते हैं तो मज़ा लगने वाला श्योर है। वैसे बर्ड फोटोग्राफी करते तो मुझे 5-6 साल हो गए, आई थिंक 2018 से मैं कर रहा हूँ, तो लगभग 5-6 साल होने को आए हैं। लेकिन मैं हमेशा लीन करता हूँ लैंडस्केप और एस्ट्रो लैंडस्केप की तरफ। लेकिन हाँ, मुझे इंटरेस्ट बहुत है बर्ड फोटोग्राफी करने में। और रिसेंटली आप देख रहे होंगे करीब 5 से 6 वीडियो मैं बना चुका हूँ बर्ड फोटोग्राफी के बारे में। वैसे मैं बता दूँ आपको, मैं मास्टर नहीं हूँ बर्ड फोटोग्राफी के, बस एक एंथुसियास्ट कह सकते हैं। मुझे इंटरेस्ट बहुत है और ये छोटे छोटे बर्ड्स लेने का मुझे बहुत शौक रहता है। और जब विंटर आता है, क्योंकि सन 8 बजे के आसपास बहुत ही एक गोल्डन ग्लो काइंड का देता है और ये छोटे छोटे बर्ड्स के जो एक्टिविटीज़ होते हैं बहुत बढ़ जाते हैं, तो इनका फोटोग्राफ करना मुझे बहुत पसंद रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे एक्सपीरियंस से जो मैं टिप देना चाहूँगा बस आपको। तो पहला नंबर जो टिप है, हमेशा फ़ोटोज़ को आई लेवल पर रखिए। देखिए, ये कहा जाता कि आई लेवल पे ज़्यादा अच्छा नहीं लगते हैं फ़ोटोज़, लेकिन वो पोर्ट्रेट्स में होते हैं। तो क्रिएटिव दिखाने के लिए पोर्ट्रेट्स में कभी डाउन तो कभी अप से हम लेते हैं, लेकिन बर्ड फोटोग्राफी में क्योंकि ये छोटे छोटे रहते हैं। अब सपोज़ एग्जांपल लीजिए, कोई बर्ड ऊपर पे है तो हम अगर नीचे से लेते हैं तो उसका हमेशा पेट दिखाई देगा या फिर एक ऐसा वियर्ड एंगल में दिखाई देगा कि वो फोटोग्राफ अच्छा नहीं लगता है। जबकि हम अगर कोई चीज़ को आई लेवल से लेते हैं, जैसे एक छोटे बर्ड का फोटोग्राफी या कोई भी बर्ड की फ़ोटो आई लेवल से लेते हैं, पूरे पैरेलल व्यू में एक ह्यूमन आई का व्यू मिलता है, जिससे एक्चुअली वो बर्ड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर्स है या उसके आईज हैं या उसका बॉडी के साइज हैं, वो प्रॉपरली विजिबल रहते हैं। तो कभी कभी इसलिए नीचे रहते हैं बर्ड्स तो हम लोग नीचे लाई डाउन करके लेते हैं, या फिर कभी कभी अगर पेड़ पर रहते हैं तो हम दूर पर जाते हैं और डिस्टेंस से फ़ोटो लेते हैं, क्योंकि हमेशा हमें तो क्रॉप करना ही पड़ता है बर्ड फोटोग्राफी में। तो दूर से ले के भी हम क्रॉप करके भी एक आई लेवल का फ़ोटो ला सकते हैं। तो चाहे मेरे इस तरह के फ़ोटोज़ हों, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको फ़ोटोज़ कि बहुत सारे बर्ड्स के फ़ोटोज़ मैंने हमेशा आई लेवल पे लिए हैं और इसी तरह गोल्डन आवर पे लिए हैं, तो जाके वो फ़ोटो सब स्टैंड आउट करता है। सेकंड जो मेरा मास्टर टिप है वो है फ्रेमिंग एंड कंपोजिशन के बारे में। अक्सर ऐसा होता है, ये बर्ड्स इतने छोटे छोटे होते हैं कि हम क्लटर्ड बैकग्राउंड पे फंस जाते हैं, दिमाग भी क्लटर्ड हो जाता है, बैकग्राउंड भी क्लटर्ड हो जाता है, तब फ़ोटो अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश कीजिए एज क्लीन एज पॉसिबल रहे बैकग्राउंड। इसका मतलब ये भी नहीं है कि खाली ब्लैंक स्पेस पे अगर लेते हैं तो भी फ़ोटोज़ अच्छे नहीं आएंगे। फॉलियज अगर पीछे के बहुत ग्रीन है, लश हैं, थोड़े ऑरेंजेस हैं, थोड़े गोल्डन ग्लो आ रहे हैं लीव्स के, और एज क्लोज एज पॉसिबल अगर लेते हैं तभी जाके आके फ़ोटो आपके जो फ़ोटोज़ होने वाले हैं वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। अगर बीच में ज़्यादा ही पेड़ पौधे के ब्रांचेस या लीव्स ज़्यादा क्लटर्ड हो जाते हैं एलिमेंट्स, तब अच्छे नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये बर्ड्स बहुत छोटे छोटे रहते हैं। और यहाँ पर अगर ज़्यादा सामान का भर्ती रख दें तो बर्ड हमेशा छिप ही जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि हमेशा क्लटर फ्री बैकग्राउंड पे फ़ोटोज़ लें। अगर स्काइज़ पे भी लेते हैं तो कोशिश कीजिए मिनिमल लें, या फिर कोई एक ब्रांचेस को दिखा दें जिस तरह का अभी मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँगा, उस तरह के रखेंगे, कंपोजिशनली स्ट्रॉन्ग रखेंगे, फ्रेम क्लोज रहेगा
और जो हम लोग के रूल ऑफ थर्ड्स हैं या फिर नेगेटिव स्पेस को ध्यान में रख के अगर आप लेते हैं शॉट, तो आपके शॉट्स जो आएंगे ये छोटे छोटे बर्ड्स के बहुत ही स्टैंड आउट करने वाले हैं। थर्ड टिप जो है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इन फोटोग्राफी, किसी भी जॉनरे ऑफ फोटोग्राफी कर दीजिए, इसमें सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट रहता है, दैट इज़ द लाइटिंग कंडीशंस। लाइट का प्रॉपर होना बहुत ही ज़रूरी है, आप चाहे वो दिन के टाइम पे करें, इवनिंग के टाइम पे करें, लेकिन ध्यान में रखिए अगर लाइटिंग में कॉन्ट्रास्ट रहता है तभी आपका फ़ोटोज़ अच्छा आने वाला है। अगर डार्क बैकग्राउंड पे करते हैं या फ्लैट पे करते हैं तो ना उतना कॉन्ट्रास्ट नहीं मिलता है, फ़ोटोज़ में सेपरेशन पता नहीं चलता है बैकग्राउंड से लेके सब्जेक्ट तक। तो मेरा जो पर्सनल मेरा स्टाइल ऑफ फ़ोटोग्राफी है, चाहे वो लैंडस्केप्स पे हो या बर्ड्स पे हो या फिर वेडिंग्स या पोर्ट्रेट्स पे, मैं साइड लाइट और गोल्डन आवर पे टाइम पे शूट करना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। साइड लाइट मतलब जब फ़ोटो पे वन डायरेक्शनल लाइट पड़ रहा होगा तो एक तरफ शेडो रहेगा एक तरफ प्रॉपर लाइट रहेगा तभी अच्छा लगता है, या फिर लाइट सब्जेक्ट के पीछे आता है तब वो थोड़ा ग्लो करता है और थोड़ा सा शेडो में रहता है अगर बर्ड तो अच्छा लगता है, या फिर डायरेक्ट फ्रंट फेशिया में अगर लाइट भी गिरता है लेकिन पीछे ग्रीन बैकग्राउंड रहता है, मतलब पीछे भी अगर ट्रीज हैं या जो घास रहते हैं श्रब्स रहते हैं उस तरह के अगर चीज़ें रहते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। एक और मेरा पर्सनल फेवरेट है लेकिन बर्ड फोटोग्राफी में वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, गोल्डन आवर के टाइम पे जब ऑरेंज लाइट किसी भी एक बर्ड के ऊपर फोटो आता है, जब साइड लाइट हो या फ्रंट लाइट पे हो और बैकग्राउंड पे स्काई का कलर थोड़ा सैचुरेटेड ब्लू होता है और उसके साथ अगर कहीं पर ब्रांच पे बैठा है या फिर किसी एक लकड़ी पे बैठा है, तब के शॉट्स मुझे बहुत पसंद लगते हैं। ये बता रहा हूँ मेरा पर्सनल फेवरेट है, आप चाहे लाइट के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट कर दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे जो जो मैंने आपको बताया तो आपका फ़ोटोज़ हमेशा जो स्टैंडर्ड फ़ोटो रहता है उससे थोड़ा अच्छा स्टैंड आउट करेगा ही। फोर्थ पॉइंट है, कुछ नॉर्मल फ़ोटो से आपका फ़ोटो को थोड़ा हटके बनाने के लिए बेसिकली हम सेटिंग्स के सहारे और कुछ एक्शंस के सहारे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपका शॉट्स स्टेशनरी है या स्टेबल है तो पोर्ट्रेट्स तो अच्छे मिल ही जाते हैं, रिकॉर्ड के लिए अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो फ़ोटोज़ बुरे होंगे, फ़ोटोज़ अच्छे रहते हैं, लेकिन अगर आपके शॉट्स में कुछ एक्शन हो जाए, जैसे अगर सिंगिंग कर रहे हैं या कुछ खा रहे हैं या फिर छोटे छोटे बर्ड्स हैं उनके घर बनाने के लिए मुंह पे स्ट्रॉ लेके या जो श्रब्स रहते हैं उनके कुछ एलिमेंट्स लेके घर बनाते रहते हैं, अगर वो भी मिल जाते हैं ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, या फिर बड़े बर्ड्स के फाइट रहते हैं जैसे कि ब्लैक काइट के फाइट्स होते हैं या फिर छोटे छोटे बर्ड्स के वो लोग खेलते रहते हैं सुबह जब फर्स्ट लाइट आता है तब उसके एक्शन अगर मिल जाते हैं तो भी बहुत अच्छे बनते हैं शॉट्स के लिए। लेकिन उसके सेटिंग्स के लिए भी आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा, आपका जो शटर स्पीड है वो 1/2000 से लेके 1/3200 तक भी बढ़ाना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको हमेशा आईएसओ को भी बूस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, मैं मैनुअल कंट्रोल तो प्रीफर करता हूँ अपने लैंडस्केप्स और एस्ट्रो लैंडस्केप्स या फिर पोर्ट्रेट्स उठाने में, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ रहता है या फिर बर्ड फोटोग्राफी रहता है उस पर हमेशा आपको ऑटो आईएसओ पे ही रिलाई करना पड़ता है, क्योंकि आपको इम्पॉर्टेंट रहता है मूवमेंट और ये इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में मूवमेंट सब होते हैं, तो आपको अगर सेटिंग्स चेंज करने पे लग जाएंगे तो आपके फ़ोटोज़ अच्छे नहीं आने वाले हैं या फिर मूवमेंट आप मिस करने वाले हैं। तो हाई शटर पे रखना पड़ता है, ऑटो आईएसओ पे रखना पड़ता है। रैदर आप एक मेरा सीक्रेट काम कर सकते हैं, अपने एक्सपोजर कंपेंसेशन को +0.7 से लेके +1.0 तक बढ़ा सकते हैं, ताकि अगर कहीं पर अंडर होता है या ओवर एक्सपोज भी होता है, ओवर एक्सपोज तो करेगा नहीं ऑटो एक्सपोजर लेकिन बहुत सारे जगह पे अंडर कर देता है, तो अगर 0.7 या 1.0 अगर एक्सपोजर कंपेंसेशन आपका वैल्यू है तो वो ईजिली कंपेंसेट कर सकता है। तो एक्शन शॉट्स और ये सेटिंग्स को अगर आप ध्यान पे रखते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं कुछ ना कुछ एक्शन वाले शॉट लेने की। ये तो थे चार पॉइंट्स जो कि आपको फ़ोटो उठाने के लिए बहुत अच्छे तरह से काम आएंगे। एक और पॉइंट है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी फोटोग्राफी करने पे या फिर लाइफ के कोई भी इवेंट को कैरी ऑन करने के लिए या आपके सक्सेस में हो या करियर पे हो किसी चीज़ में भी है, लेकिन मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ आज के फोटोग्राफी पे, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ पेशेंस। पेशेंस इज़ द की फैक्टर टू एग्जीक्यूट एनीथिंग। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आप अगर हड़बड़ा के सब कुछ काम करते हैं
तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलने वाले हैं, चाहे वो आपके लाइफ से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, या आपके जो पसंदीदा काम से हो, या मेरी तरफ फोटोग्राफी से हो। आप अगर पेशेंटली काम करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, या फिर उनके एक्टिविटीज़ को बढ़ के देखते हैं, उसके बाद हैबिटेट को स्टडी करके फ़ोटोज़ लेते हैं, तभी आपको अच्छा शॉट मिलेगा। ऐसा ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। मुझे 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं फोटोग्राफी करते हुए, लेकिन बर्ड फोटोग्राफी में मामले में मैं अभी भी कच्चा हूँ, अभी तक पक्का नहीं बना हूँ, क्योंकि मैं पेशेंटली ज़्यादा वेट नहीं करता था, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही चाहिए होता था कि मैं जाऊँ और मुझे कुछ शॉट मिल जाए। तो एक आध बार ऐसा भी होता है कि मैं बार बार जाता हूँ, तब जाके मुझे एक शॉट अच्छा मिलता है। तो पेशेंस इज़ द की फैक्टर, मैं बताऊँगा। आप अगर कोई शॉट लेना चाहते हैं, आपको कोई एक्टिविटी या बर्ड के बारे में पता चला है, तो उसको स्टडी कीजिए। आप मर्लिन ऐप से भी देख सकते हैं इजीली, और उसके हैबिटेट के बारे में स्टडी कीजिए, उसके मूवमेंट को ट्रैक कीजिए। अगर वो डेली वहाँ पर बैठता है तो उसको ट्रैक कीजिए, वो क्या करता है, कैसे घर बनाता है, क्या एक्टिविटीज़ उसके रहते हैं, उसको ट्रैक कीजिए, पेशेंटली देखिए, उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए प्लान कीजिए और रुक के फ़ोटो उठाइए। तो ये मेरे थे 5 जो टिप्स थे, मैं बताऊंगा बेसिक टिप्स था, उतना भी इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन वो मास्टर लेवल का नहीं हो सकता जो मास्टर्स उठाते हैं फ़ोटो। लेकिन मैं गारंटी दे के साथ कह सकता हूं आपको कि ये सारी चीज़ें के फॉलो करेंगे तो आपको एक स्टैंडर्ड फ़ोटो से थोड़ा अच्छा फ़ोटो तो मिलेगा ही। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रियल टाइम फोटोग्राफी के ऊपर। थोड़ा सा ऊपर चला गया है और ज़्यादा टाइम अपने पास है नहीं, तो जो कुछ भी मिलता है छोटे बर्ड्स के ऊपर सब कुछ लेते हैं आज।
तो ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट द स्मॉल बर्ड्स इन संबलपुर, बर्ड फोटोग्राफी के ऊपर था। छोटे छोटे बर्ड्स के काफ़ी सारे शॉट्स मैंने लिए और लक की बात ये है कि मुझे सारे जो मेरे जो फेवरेट बर्ड्स हैं जिनके फोटोग्राफी करना मुझे ज़्यादा पसंद है वो सारे मिल गए, चाहे वो प्लेन प्रीनिया हो, रेड मोनिया हो, स्केली ब्रेस्टेड मोनिया हो, सिल्वर बिल हो, कुछ बी ईटर मिल गए, किंगफिशर भी मिले, मैकपी रॉबिन मिल गया, इंडियन रॉबिन मिल गया, कुछ कॉर्मोरेंट के फ्लाइट में भी मिल गए, लिटिल गैबी मिला, फिर ग्रेट गैबी भी मिला, क्या क्या नहीं मिला, मतलब अनएक्सपेक्टेड था। ठंडी का महीना है, मिलना तो 100% श्योर है। और आई होप आज जो मैंने एसेंशियल टिप्स आपके साथ शेयर किए वो शायद आप उसे यूज़ करके कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट निकाल सके, मैं तो हमेशा होप यही करूँगा। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये जो टिप्स है आप कहीं पर भी इस्तेमाल कीजिए, आपको अच्छी तरह से आपकी फ़ोटोग्राफी को स्टैंडर्ड से थोड़ा अपस्केल तो कर ही देगा। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये प्रो लेवल का टिप्स था, लेकिन हाँ आपको एक स्टैंडर्ड से एडवांस तो बना ही सकता है। बस यही कहना चाहूँगा, कीप शूटिंग ऑलवेज, नए एक्सपेरिमेंट कीजिए, अपने लोकेलिटी को एक्सप्लोर कीजिए, अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ निकालिए। और हाँ, अगर आप उड़ीसा के बंदे हैं, आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं, तो नए लोकेशन के बारे में मेरे को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वहाँ पर जाना मैं पसंद बिल्कुल करूँगा, वहाँ से फोटोग्राफी अपॉर्चुनिटीज़ निकालना भी पसंद करूँगा। और एक और रिक्वेस्ट भी है, जो मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर एज मच एज पॉसिबल, और बेल को हमेशा हिट कीजिए, क्योंकि उसको हिट करने के बाद आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन हमेशा पहले से ही मिलता रहेगा। सो इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर।